सदियों पहले जापान में नाइलॉक मॉन्स्टर्स ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया, पर समुराई योद्धाओं ने उन्हें हरा दिया उन पावर सिंबल्स की मदद से जो उन्हें उनके जन्मदाता से मिले थे। अब शैतानी नाइलॉक ने एक बार फिर सर उठाया है और वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, पर उनके रास्ते में खड़ी है हीरोज की एक नई युवा पीढ़ी जिन्हें कहते हैं पावर रेंजर्स समुराई। क्या डेकर मेरे बारे में सही था? अब तुम अपने साथियों की मदद से अपनी लड़ाइयां लड़ते हो? क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो रेड रेंजर? क्या मैं ही सबसे ताकतवर योद्धा हूँ, तुम में वो बात नहीं रही। मैं उसे गलत साबित करूंगा। मुझ पर वार करो। Jaden, Mia, Mike, Kevin, Emily, Antonio. हम शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी, प्रैक्टिस यहीं खत्म हुई। माइक, चलो अंदर चलते हैं। मैं लेट तो नहीं हुआ ना? यहाँ कुछ हुआ क्या? हम बस अंदर ही जाने वाले थे, चलो तुम भी। यार, उसने ऐसा क्यों किया? मास्टर, मैं उन्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहता था। मुझे हो क्या गया है? चलो थोड़ी सैर कराते हैं। और चलो, अब मुझसे इन कीड़ों की डायू के संगीत की नकल बर्दाश्त नहीं हो रही। दर्द होता है जी मालिक। ये मेरा सिर दर्द ठीक नहीं करते, ये मुझे सिर दर्द देते हैं। डायू ने हमें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपको उसके संगीत की जरूरत है तो आपको उसका संगीत जरूर मिलेगा। ये दवाई काम नहीं कर रही। दवाई काम नहीं कर रही। दवाई काम नहीं कर रही। तो अपने दर्द को कम करने वाले मेरे संगीत के बिना मास्टर जेहनरेट का सिर दर्द उन्हें पागल बना रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा हारमोनियम तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। पता है जेडन, हम सबको एक ब्रेक की जरूरत होती है। कभी कभी जगह बदलने से मदद मिलती है। क्या तुम कुछ साबित करना चाह रहे थे? मुझे नहीं पता। बात डेकर की है ना? वो कहता है मैं कमजोर हो गया हूं। क्या ये सच है? नहीं, इस टीम ने तुम्हें और ताकतवर बनाया है। पर मैं अलग महसूस करता हूं, जैसे कि मुझ में वो बात ही ना रही हो। शायद इसीलिए मैंने टीम के साथ ऐसा बर्ताव किया। जब हम सिर्फ दोनों हुआ करते थे तब ऐसा नहीं होता था। शायद डेकर की बात सच है। कौन सी बात? यही कि मुझ में योद्धा वाली बात नहीं रही। मैं अपनी टीम पर ज्यादा निर्भर हूं। नहीं,
तुम एक बहुत अच्छे टीम लीडर हो जेडन, इसीलिए तो अब तक तुम नायलॉक को हरा पाए हो। पर तुमने अपने पहले आने वाले सभी रेड रेंजर्स का नाम रोशन किया है, इस पर कभी शक मत करना जेडन। मालिक, मुझे ये शक है कि सरेटर उस हारमोनियम के बारे में जरूर कुछ जानता है। डायू के हारमोनियम के बारे में तुम जानते हो, है ना? चलो मान लो। हो सकता है मैं कुछ जानता हूँ, पर अभी अचानक ये बात क्यों निकाल रहे हो? मास्टर सैंड्रेड को वो चाहिए, कहाँ है वो? इन्हें वो चाहिए तो फिर मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मैंने उसे दूर कहीं छिपाया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि मैं उसे तुमसे ले सकूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। और जरा जल्दी आना, ये दवाई बेकार है। आज मुझे एहसास हो रहा है मैं अपने संगीत के बिना इतनी देर कभी नहीं रही। अब हमें सरेटर से बात करनी ही होगी। वो मेरे हारमोनियम और तुम्हारी तलवार को ठीक करने में बहुत वक्त लगा रहा है। अपनी तलवार वापस पाने के लिए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। पर डेकर, रुको। लगता है बिना डायू के संगीत की राहत के मास्टर सैंड्रेड का सरदर्द उन्हें कमजोर बना रहा है। वो जहाज पर इसलिए थी ताकि वो उस भद्दे हारमोनियम को बजाती रहे और मालिक की परेशानियों को दूर भगाती रहे। सभी नायलॉक की तरह वो इंसानों के दर्द से आकर्षित होते हैं और डायू के आधे इंसानी अस्तित्व का दर्द उनके संगीत में झलकता है। मास्टर सैंड्रेड उसी पर पनपते हैं और मैं भी। पर मालिक तकलीफ में है। हाँ, अगर उनके सरदर्द को हटा दो तो मास्टर और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम में उन जैसी कोई बात नहीं। अब वो हारमोनियम कहाँ है? वो इस दरार में छिपा है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। ये क्या कर रहा है? हम यहाँ क्यों रुक गए? आज मैं किचन में नहीं जा पाया, इसका मतलब मियां ने आज का डिनर बनाया होगा। ओह हाँ, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ। मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, शायद डेकर सही है, मुझ में वो बात नहीं रही। स्पाइक, तुम इतने सारे शॉपिंग बैग्स क्यों ले आए हो? आप क्यों नहीं लाए? आज डोनट आधे दाम में मिलते हैं। कुछ मुझे भी दो, 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 मुझे भी कुछ बैग दे दो ना। चलो दो भी। अरे आप तो वही है जो मियां के डोजो में थे। तुम दोनों तो वापस आने वाले थे ना। मेरी ड्रिल सर्जेंट तुम दोनों को एक असली वर्कआउट देना चाहती है। हाँ, हम बहुत बिजी हैं, अभी हमें शॉपिंग करने जाना है, बहुत ही जरूरी है। वो क्या था? बस एमिली के कुछ दोस्त थे। ऑक्टरू, इसमें तो कुछ ज्यादा ही देर लग रही है। मैं कभी नहीं भूल सकता डायू के मिलने से पहले मास्टर जेंड्रेट कैसे थे। वैसे हमारे मालिक हमेशा से ही काफी गुस्से वाले रहे हैं, पर डायू के आने से पहले हालत और बिगड़ गई थी। वो हमेशा गुस्से में रहते थे, पर फिर एक दिन उन्होंने डायू का दुख भरा संगीत सुना और उसके हारमोनियम ने उनके अंदर के खूंखार जानवर को शांत कर दिया। उसका वो संगीत जिसमें हजारों सालों का गम छिपा था, उस संगीत ने उनके दर्द पर दवाई का काम किया। मालिक ने तय कर लिया कि वो उस संगीत बनाने वाले को ढूंढकर उसे कैद कर लेंगे, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे डायू मना ना कर सकी। तो तुम बजा रही हो ये संगीत? ये मेरा गाना है। अब से तुम सिर्फ मेरे लिए बजाओगी और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम आज से मेरी गुलाम हो। पाताल लोक में तुम्हारा संगीत मेरे दिमाग को शांत रखने का काम करेगा। मुझे मंजूर है।
पर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं सरेटर। अब वो हारमोनियम मेरे हवाले करो। इस कहानी से पता चलता है तुम्हारा मालिक कितना लाचार है। तुम एक कमजोर मालिक के गुलाम हो। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई गद्दार? अब तक तो तुम भी समझ गए होगे कि मैं ये हारमोनियम कभी नहीं दूंगा। यही मेरे सारे प्लान्स की चाबी है। मैं चाहता था कि तुम्हें ये बात मेरे प्लान पूरा होने के बाद ही पता चले, पर अब ये बात जान लो कि मैं मास्टर जैनरेट को धोखा दे रहा हूँ। मुझे पता ही था कि हम एक झूठे बेईमान सांप को पाल रहे हैं। जब मालिक को इस बात का पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। समंदर के किनारे पर कुछ हो रहा है, पर सॉरी हमें देर हो गई। जेडन, हम ये संभाल लेंगे अगर मैं ठीक हूँ और माफी चाहता हूँ। पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जेडन, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने में गर्व महसूस होता है। दोस्त जाने दो, कोई बात नहीं, हमें खुशी है तुम वापस आ गए। पर क्या तुम ये गर्व बोलना बंद करोगे? थोड़ा अजीब लगता है। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से हमें समंदर किनारे जाना था। चलो चले। मेरा हारमोनियम, मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। ओह सरेटर, वो जगह यही होगी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे अपने प्लान को पूरा करने वाली वो आखिरी जगह मिल जाएगी। वाह, जगह मिल गई। आप अपना शोक में डूबा गाना बजाओ और दर्द की इतनी गहरी दरार बना दो कि मैं इस दुनिया को दो हिस्से में काट सकूं। सरेंडर रेंजर्स। अब क्या इरादा है तुम्हारा? आओ आओ आओ, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो पूरी तरह से निर्दोष हूँ। अरे जाओ, हमें उल्लू मत बनाओ, इस बार तुम नहीं बचोगे। समराइजर्स, गोल्ड पावर, गो गो समराइज। सिपाहियों, हमला करो। तुम चाहे जितने भी सिपाही भेजो, हम तुम्हें रोक कर ही रहेंगे। सही कहा, तुम्हारा जो भी इरादा है। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है नाइलॉग। हाँ, हमें कुछ मामूली सिपाही नहीं रोक पाएंगे। ये तो सच है। क्या और सिपाही? चलो टीम तैयार हो जाओ। अब चलो तुम्हारा गाना बजाए। डायू। सरेटर, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम कभी मेरा हारमोनियम ठीक नहीं करने वाले थे, है ना? सच कहूँ तो मुझे तो बस टैकर की जरूरत थी और इससे निकलने वाले ताकतवर दर्द भरे संगीत की। तुम तो मेरी बिछाई बिसात की सिर्फ एक मोहरा थी। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, झूठे। आ, 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 और ये पता लगाने के लिए तुम्हें सिर्फ 200 साल लग गए। मेरा हारमोनियम नीचे रखो ताकि मैं तुम्हें ऊपर भेज सकूं। क्या वो आपस में लड़ रहे हैं? वापस करो, दो कौड़ी के धोखेबाज, वो मेरा है। बेकार के वार करना बंद करो। डायू, तुम्हारी ये निराशा मेरे लिए सबसे मीठी कैंडी का काम कर रही है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी इस बुराई की 10 गुना ज्यादा सजा मिले। वो सरेंडर पहले से ही धोखा देता आ रहा है।
जाए, मैं पृथ्वी पर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। मालिक, मुझे पता है आप सेनेटर से नाराज हैं, पर आप वहाँ नहीं जा सकते। आपके यहाँ से निकलते ही आप सूखना शुरू हो जाएंगे। चुप रहो, सेनेटर! नहीं मालिक। या आसमान को क्या हो गया? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए मेरे पाताल लोक से निकलते ही दिन बन जाएगी रात। जैनरेड, क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है और हो गया है। क्या जेडन, क्या वो? मास्टर जैनरेड, रेड रेंजर। शायद तुमने जितना सोचा था तुम उतने ताकतवर नहीं हो। तुम्हारा रात वाला जादू तो फीका पड़ रहा है। जैनरेड, इसका जादू फीका पड़ रहा है, इसलिए ये ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहेगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सरेंडर, अब तुम्हारी बारी है। मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगे। तुम यहाँ सूखते जाओ, मैं चलता हूँ। तुम मुझसे नहीं बच सकते। स्पिन सोर्ड, ब्लेजिंग स्ट्राइक, रेड रेंजर, शिबा घराने का बेकार मुखिया। लाल शैतान कहेंगे, हमला करो, चलो एक साथ हो जाए। ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। जेडन, नहीं! ब्लैक बॉक्स, सुपर सामुराई मोड, बुल्सुका डिस्क, सुपर बुल्सुका। रेड रेंजर, तुम्हारे परिवार के साथ मेरा कुछ हिसाब बाकी है, जिसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। जेडन, रुक जाओ। जेडन, ऐसा मत करो। एमिली सही कह रही है, मुझे कोशिश करनी होगी। तुम्हारा अंत आ गया रेड रेंजर। बेकार इंसान। जेडन, उठो दोस्त, जाओ। जेडन, उठो दोस्त। डायू का हारमोनियम, मुझे उसका संगीत सुनना है। मालिक, आप सूख रहे हैं, आपको पानी की जरूरत है। आप क्या कर रहे हैं मालिक? डायू, मैं तुम्हारा हारमोनियम ठीक कर दूंगा, पर तुम्हें जहाज पर लौटना होगा और मेरे साथ वफादार रहने की कसम खानी होगी। मैं अब काफी भटक चुकी हूँ, मुझे मंजूर है। तो फिर ये सौदा पक्का हुआ। ये तो ठीक हो गया। हाँ, पर अब तुम कभी मेरे आगे सिर उठाने की हिम्मत मत करना। नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। अब तुम फिर से मेरे लिए संगीत बजाओगी, हमेशा के लिए।
जल्दी चलिए मालिक, आपको खुद को सेंजू के पानी में डुबोना होगा। जल्दी, उन रेंजर्स को मैं संभालूंगा, आज वो नहीं बचेंगे। बड़े सिपाहियों की सेना, आगे बढ़ो। ये क्या? ये क्या? बाप रे! एमिली, तुम जेडन का ख्याल रखो। ठीक है। जेडन, मुझे ये लेना होगा। सुपर सामुराई मोड, सामुराई कॉम्बिनेशन डिस्क, सुपर सामुराई कॉम्बिनेशन। वो कैनन बहुत बड़ा है। आज तो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं दोस्तों। मैं हमारी मदद करने बुलजॉर्ड को बुला रहा हूँ। यही ठीक होगा। हाँ, जल्दी करो बुलजॉर्ड। बुलजॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बुल मेगाजॉर्ड लड़ने के लिए तैयार। शोल्डर ब्लास्टर। कैनन हो जाए सुपर सामुराई आर्टिलरी, सामुराई कैनन। चलो खेल खत्म करें। मेगा ब्लेड एक्टिवेट। बुल डिस्क। रिवॉल्विंग लेजर ब्लास्टर। शोगन डिस्क। शोगन मोड। पूर्वजों की ताकत। शोगन कैनन ब्लास्ट। हिम्मत रखना जेडन। लिटाओ से, इसे कुछ नहीं होगा। मैं भी पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। मालिक इतने सूख गए हैं कि अब पता नहीं कि उन्हें कितनी देर तक सेंजू नदी के अंदर ही रहना होगा। अफसोस की बात। सरेटर, तुम तो वैसे भी किसी काम के नहीं हो और तुम्हारा मालिक सो रहा है, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, जल्द ही पाताल लोक और पृथ्वी दोनों ही मेरे हो जाएंगे।